नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो RGHS ऐप है वो लॉन्च हुआ है, तो इस वीडियो में हम RGHS ऐप को कैसे इंस्टॉल करें, कैसे लॉगिन करें और लॉगिन करने के बाद में कौन कौन सी इम्पोर्टेंट जानकारी हम उसमें से ले सकते हैं, जैसे कार्ड मैनेजमेंट है, इम्प्लांटेड फैसिलिटीज लिस्ट है, OPD प्रिस्क्रिप्शन अपलोड यदि करना हो तो वो भी काम इसी से हो जाएगा, ग्रीवेंस मॉड्यूल और जो ट्रांजैक्शन ट्रैकर है वो सारी की सारी सुविधाएं हमको इसमें मिलने वाली है। तो चलिए शुरुआत करते हैं किस प्रकार से इसका इंस्टॉलेशन हम करेंगे। सबसे पहले हम जो प्ले स्टोर है वहाँ चलते हैं। जैसा कि प्ले स्टोर में मैंने ऊपर लिख रखा है, आप RGHS कनेक्ट भी लिख सकते हैं, RGHS ऐप भी लिख सकते हैं। तो RGHS ऐप हम लिखेंगे तो देखिए कुछ इस प्रकार का इंटरफेस हमारे सामने आएगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि RGHS कनेक्ट नाम से एक ऐप आया है, नीचे लिखा हुआ है मेडिकल। तो ये मैंने पहले इंस्टॉल कर रखा है इसलिए यहाँ पर इंस्टॉल्ड लिखा हुआ है। यदि आप जब इसको सर्च करोगे तो आपको इंस्टॉल करने के लिए बोलेगा, आप यहां से इंस्टॉल करें। उसके बाद में बात आती है लॉगिन की, तो लॉगिन हमको जो SSO ID और पासवर्ड है हमारे वो डाल लेने हैं। SSO ID पासवर्ड डालने से लॉगिन हम हो जाएंगे। उसके बाद में जो इंटरफेस होगा यहां पर इस प्रकार का इंटरफेस RGHS ऐप का यहाँ आपको मिलने वाला है। इसको हम ओपन करेंगे तो इस तरीके से ये इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ जो 3 लाइंस है यहाँ आपको क्या देखने को मिलने वाला है, जैसे ही हम यहाँ क्लिक करेंगे यहाँ जो मेरी SSO ID है वो यहाँ दिखाई देने लगेगी और जो लैंग्वेज चेंज का यहाँ ऑप्शन है यहाँ से हम लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। लॉग आउट हम यहाँ से हो सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं लैंग्वेज चेंज कैसे करेंगे। उसके बाद में दूसरा जो ऑप्शन है यहाँ कार्ड मैनेजमेंट का दिया हुआ है, यहाँ हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ हम अपना RGHS कार्ड है वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ मेरा RGHS कार्ड है वो शो हो रहा है और यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है प्रिंट ई कार्ड, तो ये बात क्लियर हो गई। उसके बाद में अपडेट फ्रॉम जनाधार, तो साथियों ये ऑप्शन है ये थोड़े दिन पहले ही आया था। अपडेट फ्रॉम जनाधार में हमको क्या मिलेगा कि जो डाटा है वो हमारे जनाधार के हिसाब से जो RGHS कार्ड है उसमें हम अपडेट कर सकते हैं घर बैठे ही, हमको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें आप देख लीजिएगा चेंजेज यदि है तो यहाँ अपडेट मेंबर डिटेल पे क्लिक करेंगे। यदि फ़ोटो हमको चेंज करनी है तो जो अपडेट मेंबर फ़ोटो के ऊपर चेंज क्लिक कर लेंगे। जो मेंबर डिटेल है तो यहाँ से सबसे पहले हमको सिलेक्ट करना होगा फैमिली मेंबर कौन सा है, उसकी जो डिटेल है वो अपडेट हम यहाँ कर पाएंगे और जो मेंबर की फ़ोटो है उसके लिए भी हमको यहाँ सबसे पहले उसको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में चलते हैं इम्प्लांटेड जो फैसिलिटी लिस्ट है कि हॉस्पिटल कौन कौन सा अवेलेबल है और कौन सा अवेलेबल नहीं है वो सारी की सारी हम इसमें यहाँ देख सकते हैं। OPD प्रिस्क्रिप्शन जो अपलोड है उसकी जो काउंटर की पर्ची होती है वो हम यहाँ अपलोड कर सकते हैं। यहाँ से देखिए पेशेंट जो हमारे कार्ड में जिसको भी हमने दवाई दिलाई है या फिर जिसका भी इलाज हमने करवाया है जिसकी नाम की पर्ची है उसको हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे उसके बाद में OPD प्रिस्क्रिप्शन जो है वो हम अपलोड कर देंगे। यहाँ अपलोड के ऊपर जैसे क्लिक करेंगे तो हमको उस लोकेशन पे भेज देगा जहाँ पर हमारी जो पर्ची है वो हम पहले PDF फाइल बना के सेव कर लेंगे। उसके बाद में जो अपलोड है वो यहाँ 500 KB तक यहाँ लिमिटेड है, तो 500 KB तक की फाइल है वो हम यहाँ अपलोड कर सकते हैं। जो ग्रीवेंस मॉड्यूल है वो भी आपको यहाँ दिया गया है, स्टेटस आप उसका देख सकते हैं। ट्रांजैक्शन ट्रैकर आप यहां देख सकते हैं कि आपने कौन कौन से सत्र में, देखिए यहां पर आल सेलेक्ट हो रहा है और यहां सर्च बाई सर सेलेक्ट हो रहा है, तो मैं इसको ड्रॉप डाउन मेनू से 3 प्रकार से देख सकता हूं, फाइनेंशियल ईयर, ड्यूरेशन और डेट रेंज। तो मैं यहां आपको सबसे पहले फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से सेलेक्ट करके दिखाता हूँ। तो
23-24 तो अभी चल रहा है, 22-23 में जैसे हमने यहाँ सेलेक्ट किया तो इसमें सर्च करने पर हमने जहाँ जहाँ पर भी इलाज लिया है वो सारी डिटेल हमको यहाँ से कितने रुपए का इलाज लिया है सारी की सारी यहाँ डिटेल उपलब्ध हो जाएगी। तो ये सारा का सारा आपको जो RGHS ऐप है उसमें मिलने वाला है। अब आपको SSO लॉगिन है वो बार बार नहीं करना पड़ेगा, सारी डिटेल आपको यहीं पे ही मिल जाएगी, चाहे वो अपडेट से संबंधित हो चाहे वो अपलोड से संबंधित हो। जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने साथियों के साथ जरूर शेयर करें। मिलते हैं एक अन्य लाभकारी वीडियो के साथ।